चलिए आते हैं। इंसान ये कभी भूल जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, और यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लॉक है, एक घड़ी है, ऐसे है। क्लॉक मतलब दीवाल घड़ी। हाँ बेटा, क्लॉक मतलब होता है दीवाल घड़ी, और वॉक वॉच मतलब होता है ये हाथ की घड़ी, ये है सोने वाली है ना। तो क्लॉक है दीवार में, मान लो फिट। यहां करें जो मिनट की हैंड है ना, जो मिनट का हाथ है, वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ मिनट जो है, हाँ बड़ी वाली सुई, मतलब यहाँ जो ऐसे टच की, ठीक, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है ना। फिर करें फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो जैसे मान लो, ऐसे समझ लो जैसे यार यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, बज रहा है यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है? 9। बीच में एक होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, चार, 4, अरे 3 4, फिर यहाँ कहीं कहाँ बजा दें 5, यहाँ मान लो 5 है, यहाँ मान लो क्या 5, ऐसे रहता है आपका, है ना, 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 10 और 11। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं जो मिनट की सुई है ना, 5 मिनट में जितना चलती है। अब बताओ ये जैसे मिनट की सुई है, अरे भाई 11, यहाँ देखो अब बीच में फिर क्या रहता है? मिनट रहता है। तो 1 2 3 4 पाँच, 5 मिनट हो गए। 1 2 3 4 5, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, 5 मिनट हो गए। एक दो तो गणित तीन नहीं है जी। चार और पाँच, ये हो गया। फिर आगे भी कोई गिनती बताओ एक मुझे। दो तीन, अरे भाई 3 4 5, 5 मिनट ये हो गए। एक यार ऐसे काम नहीं चलेगा ना, 5 यहाँ बजा दो, यहाँ समझ लो 5 एकदम बज रहा, करेक्ट बज नहीं रहा है भाई, 5 पर है मतलब मिनट की सुई। यहाँ एक दो तीन चार और एक 5, खैर आगे से काम नहीं है, है ना, आगे से रहने। तो ये करे 5 मिनट में जितना चलेगी, तो बताओ 5 मिनट में ये मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। 5 मिनट में जो मिनट वाली सुई है यहीं पर आ जाएगी ना, 6 पे आ जाएगी। 6 पर आ जाएगी। अरे भाई ऐसे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर पहुंच जाएगी। क्लियर। अब बताओ जब मिनट वाली सुई है यहाँ 14 सेंटीमीटर लंबी है, क्या यहाँ 13 सेंटीमीटर हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर यहाँ भी रहेगी। मतलब एक प्रकार से किसका काम कर रहा है? रेडियस का काम कर रही है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 14 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहे हैं एरिया, उस स्थान का एरिया बताओ। ये कह क्या रहे हैं? देखो ये कह ये रहे हैं कि उस स्थान का एरिया बताओ भैया जहां जितना दूर 5 मिनट मतलब चलती है, मतलब ये वाला एरिया पूरा बताना है। तो एक प्रकार से ये सेक्टर ही तो बन रहा है भाई, ये आर्क है आपका, है ना, और ये देखिए रेडियस से बना हुआ है आर्क विद द हेल्प ऑफ रेडियस, है ना। तो ये सेक्टर है, यानी कि हमें सेक्टर बताना है। क्लियर है ना। अब चाहो तो आप नाम लिख सकते हैं, मान लो चाहो तो ओ है, ये ए है, और ये क्या है? बी है। तो यहां पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, पाई सेक्टर का बाय नाम क्या है? ओ ए बी है, नाम लिख दो ओ ए बी ऑफ अ सर्कल, और ये सर्कल के ही अंदर है, ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर है ना। फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इनटू थीटा। इंटू, या दिमाग खराब हो यही थीटा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ आप चाहो यही थीटा लिख दो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई रहे, है ना, क्लियर हुआ ना, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन अब समस्या का आई, समस्या ये आया कि चलो ठीक है, आर का वैल्यू तो पता चल गया, थीटा थीटा का वैल्यू कहाँ से, चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन में कुछ है दिया गया है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर तुमको दिमाग लगाना होगा। देखो बेटा, ओवरऑल कितना होता है, 360 होता है। देखो कितना कितना खाना है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 36, 5, 7, 35, 5, 48, 5, 49, 45, 5, 10, 50 और 5, 3, 55 और 5, 4, 60। मतलब ऐसे समझिए टोटल जो है नंबर ऑफ गैपिंग जो है 60 है। कितना है, 60 है। और 60 डिग्री पूरा का पूरा, यानी 60 मिनट, 60 मिनट, जब मिनट की सुई 60 मिनट घूमेगी तो कितना डिग्री बनाएगी, वो 360 डिग्री बनाएगी। नहीं समझी, जब एक मिनट की सुई अगर 60 मिनट वो चलेगी, तब जाकर ये चक्कर पूरा करेगी, और एक चक्कर पूरा करने का मतलब वो 360 डिग्री बनाएगी। तो बताओ अगर 1 मिनट वो घूमेगी तो 360 अपॉन 60 हो जाएगा कि नहीं, तो ये जीरो का सही हो गया, 6 6 6 6 6 36, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है, 6 डिग्री बना रही है। अब बताओ तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 5 30, मतलब 5 6 30 डिग्री बनाएगी ना, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी। अब देखो ये भी निकल गया, थीटा का वैल्यू भी निकल गया, है ना। अब बताओ, अब तुम्हारे पास आर का मान भी पता चल गया, थीटा का भी मान पता चल गया, पाई का मान वैसे भी पता है, 22/7 होता है। अब बताए क्या आप सॉल्व कर सकते हो, आप लोग हो जाएगा ना। अब कैलकुलेशन, अब यहाँ डिपेंड करेगा आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है, क्लियर है ना। और कैलकुलेशन भी लगाने से ही स्ट्रांग होगा, उसका कोई जादुई ट्रिक थोड़ी है कि बता दिया जाए लो आज लो बच्चा घोर कर पी लो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आगे आप लोग खुद करिएगा, डन।